हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट के बारे में, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जो हमारा चैप्टर चल रहा था, दैट वाज द कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट। ठीक है, उसका जो हमारा नेक्स्ट इंडिविजुअल जो कंपाउंड है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा आज का जो इंडिविजुअल कंपाउंड है, दैट इज़ होमेट्रोपिन। होमेट्रोपिन क्या है, ये एक ऐसी ड्रग है, जानते हैं चलिए इसके बारे में। होमेट्रोपिन इज़ अ सिंथेटिक टर्जरी अमीन एल्कलॉइड हैविंग एंटी मस्करेनिक प्रॉपर्टीज़। यानी कि जो हमारा होमेट्रोपिन जो हमारा ड्रग है, वो एक सिंथेटिक टर्जरी अमीन एल्कलॉइड है ना। टर्जरी अमीन है जिसके अंदर एल्कलॉइड है और जो एंटी मस्करेनिक प्रॉपर्टीज़ पे काम करता है, यानी कि जिसके अंदर एंटी मस्करेनिक गुण प्रेजेंट है। ठीक है, होमेट्रोपिन ब्लॉक्स पैरासिम्पैथेटिक नर्व। होमेट्रोपिन क्या करता है, जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्व है उसको ब्लॉक कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। स्टिमुलेशन बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग एसिटाइलकोलाइन एट द मस्करेनिक रिसेप्टर। यानी कि जो हमारा एसिटाइलकोलाइन कोलीन है, उसके द्वारा क्या करता है ये होमेट्रोपिन, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व को ब्लॉक कर देता है। ठीक है, और इसी तरीके से ये यहाँ पर अपना एक्शन शो करता है। ठीक है, इसका मॉलिकुलर फार्मूला की अगर हम बात करें तो C16H21NO3 है। इसका IUPAC नेम यहाँ पर दिया हुआ है। आपको मेनली फोकस करना है इसके इंट्रोडक्शन पर, प्रॉपर्टीज़ पर, यूजेस पर। ठीक है, एंड इसके जो हमारे ब्रांड नेम फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन है, इस पर हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बाकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स होती हैं, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, क्लियर, एंड मॉलिकुलर फार्मूला ऑल्सो। अगर हम बात करें इसके प्रॉपर्टीज़ की, तो होमेट्रोपिन अकर्स एज अ वाइट कलर्ड क्रिस्टल्स और क्रिस्टलाइन पाउडर विद अ बिटर टेस्ट एंड नो ऑडर। जो होमेट्रोपिन जो हमारी ड्रग है क्या है, वो हमारी वाइट कलर का एक पाउडर है, क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में है, और उसकी अगर टेस्ट की बात करें तो बहुत ही बिटर है, यानी कि कड़वा टेस्ट है, और कोई भी उसके अंदर ऑर्डर प्रेजेंट नहीं है। देखो ये जो चीज़ है ना, ये जो लाइन है, मोस्टली मैं देखता हूँ कि हर ड्रग की कॉमन होती है कि वाइट के, देखो येलो इस क्रीमी कलर कुछ कुछ ड्रग्स के होते हैं, बट मोस्टली मैं देखता हूँ ये जो कॉमन लाइन है। अगर आप चाहो तो इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कि अकर्स एज अ वाइट कलर्ड क्रिस्टल्स और क्रिस्टलाइन पाउडर विद अ बिटर टेस्ट एंड नो ऑर्डर, है ना। इट इज़ रीडली सोल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में रीडली सोल्यूबल है। फेंटली सोल्यूबल इन एल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में ये हमारा फेंटली सोल्यूबल है। एंड इन सोल्यूबल इन ईथर, ईथर में ये इनसोल्यूबल है। इट्स एक्वस सोल्यूशन इज स्लाइटली एसिडिक टू लिटमस, इसका जो जलीय घोल होता है वो लिटमस से कम अम्लीय होता है। ठीक है, एसिडिक होता है, इसका जो एक्वस सोल्यूशन है वो हमारा लिटमस से कम एसिडिक होता है। यूजेस की बात करें तो होमेट्रोपिन इज यूज्ड बिफोर आई इंस्पेक्शंस, यानी कि आँखों की स्थिति जानने से पहले इसका यूज किया जाता है, जैसे कि इन्फ्रैक्शन, यूवाइटिस जिसको हम बोलते हैं, फॉर ट्रीटिंग सम आई कंडीशंस लाइक यूवाइटिस। यूवाइटिस क्या है, एक हमारी लाइट आई कंडीशन है। ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, जब कोई सिम्टम होता है तो उस कंडीशंस में उसका इंस्पेक्शन, यानी कि उसकी स्थिति जानने के लिए, ठीक है ना, आँखों की सर्जरी के उपचार के लिए जब नेत्र परीक्षण करते हैं, ठीक है, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। हम इसको पहले डालते हैं, है ना, तो उससे हमें पता चलता है कि आँखों की स्थिति क्या है। अगर आँखों की स्थिति सही होती है तब तो उसका ऑपरेशन किया जाता है, अगर सही नहीं होती है तो फिर ऑपरेशन नहीं किया जाता है, है ना। एंड इन आई सर्जरीज, लिखा हुआ है देखो, आई सर्जरी यानी कि जो आँखों का ऑपरेशन होता है उसमें इसको डाल के देखा जाता है कि अगर आँखों में कोई कमी होगी तो पता चल जाएगा, है ना, कोई दिक्कत होगी। अगर सही स्थिति है तो उसकी जो सर्जरी है वो की जा सकती है, अगर आँखों की स्थिति सही नहीं है तो उसकी सर्जरी नहीं की जा सकती है, क्लियर। इट्स हाइड्रोब्रोमाइड साल्ट डायलेट्स द आई प्यूपल, इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोब्रोमाइड साल्ट होता है, जो क्या करता है, जो हमारा आई का प्यूपिल होता है
आँखों में जो प्यूपिल होता है, प्यूपिल उसको क्या कहते हैं, डायलीट करता है। डायलीट मतलब फैलाता है ना, उसको बड़ा करता है। आपने देखा होगा कुछ लोग, जो जिन लोगों ने आई का ऑपरेशन कराया हो उनसे पूछेंगे आप जा करके, जिसको हम प्यूपिल मतलब जिसको पुतली भी बोलते हैं, कहते हैं ना पुतली नहीं खुल पाई, पुतली नहीं खुली, या फिर है ना इस तरीके से बोलते, आपने देखा होगा। तो डायलीट का मतलब क्या करता है, वो उसको फैला देता है ना। तो उससे हमें पता चल जाता है कि आँखों की स्थिति कैसी है, ठीक है। इट कॉजेज़ प्यूपिलरी डायलेशन एंड पैरालाइजिंग ऑफ अकोमोडेशन बाई ब्लॉकिंग द रेस्पॉन्सेस ऑफ द स्फिंक्टर मसल्स ऑफ आयरिस एंड अकोमोडेटिव मसल ऑफ द सिलरी बॉडी टू कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन, ठीक है ना। यानी कि ये क्या काम करता है, हाइड्रोब्रोमाइड जो इसके अंदर सॉल्ट होता है वो मैंने आपको बता दिया क्या करता है, वो पुतली को पतला कर देता है, डायलेट कर देता है। ये प्यूपिलरी फैलाव तथा सिलरी उत्तेजना के लिए आयरिस के कोलिनर्जिक बॉडी की एडजस्टेबल मांसपेशी की रिफंक्टर की मांसपेशियों की प्रतिक्रियाओं को अवरुद्ध करके आवास यानी कि पक्षाघात का कारण बनता है, ठीक है। सॉरी थोड़ा तबीयत ऐसी ही है, फिर भी हम लोग आप लोगों के लिए लगे हुए हैं। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस की बात करें तो होमोट्रोपिन इज लाइट सेंसिटिव, वही चीज़ यहाँ पर आ जाएगा। दस शुड बी स्टोर्ड इन एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स, यानी कि देखो सिंपल सी बात है, मोस्टली कोई ना कोई ड्रग कोई जो है लाइट सेंसिटिव होती है, कोई एयर सेंसिटिव होती है, कोई एयर के कॉन्टैक्ट में आने पर ख़राब हो सकती है, डिग्रेड हो सकती है, कोई लाइट के जो है कॉन्टैक्ट में आने पर डिग्रेड हो सकती है। तो वही चीज़ है कि हमें क्या करना है, सभी का स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन जो है वो एक लिखनी है, सेम लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, चल जाएगा आपका। तो इसके हम फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशंस की बात करें तो ये ऑफ्थेल्मिक सॉल्यूशंस के रूप में आता है, ठीक है ना, यानी कि ऑफ्थेल्मिक ड्रॉप्स जो होती हैं उसके रूप में आता है। उन ड्रॉप्स को आंखों में डाल के देखा जाता है कि आंखों की स्थिति क्या है, ठीक है। क्या नाम है इसके, होमोट्रोपियर एंड आइसोप्टो होमोट्रोपिन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है दैट इज़ प्रोपेंथिलीन। प्रोपेंथिलीन क्या है, प्रोपेंथिलीन इज़ ए मस्करिनिक एंटागोनिस्ट यूज एज एन एंटी स्पास्मोडिक इन राइनिटिस इन यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस एंड फॉर ट्रीटिंग अल्सर्स। मतलब कि प्रोपेंथिलीन जो है वो एक हमारा मस्करिनिक प्रतिरोधी है, एंटागोनिस्ट है, जिसका जो यूज़ है वो एंटी स्पास्मोडिक राइनिटिस में और जो हमारा यूरिनरी इनकंटिनेंस है, यानी कि जो रुक रुक के हमारा यूरिन आता है, कंटिन्यूसली नहीं होती है उसके अंदर, या फिर जो हमारे अल्सर होते हैं उसमें इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। प्रोपेंथिलीन का केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर दे रखा है, ये आप लोग अपने नोटबुक में ड्रॉ करेंगे। इसके मॉलिकुलर फार्मूला की बात करें तो C23H30NO3 है। IUPAC नॉर्मल क्लेचर यहाँ पर दे रखा है। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो प्रोपेंथिलीन जो है, प्रोपेंथिलीन अकर्स एज अ वाइट कलर्ड क्रिस्टलाइन पाउडर और क्रिस्टल्स, ये क्या है, एक वाइट कलर के रूप में पाउडर होता है, क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ठीक है। इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में ये सोल्यूबल होता है, एंड इनसोल्यूबल इन ईथर, ईथर में ये अघुलनशील होता है। यूज्ड की अगर हम बात करें तो प्रोपेंथिलीन इज़ बेनिफिशियल फॉर ट्रीटिंग पेप्टिक अल्सर, जो हमारे पेप्टिक अल्सर्स होते हैं उनको उनके ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इसके लिए। एज इट डिक्रीजेज गैस्ट्रिक मोटिलिटी एंड रिलीव्स पेन इन दिस कंडीशन, और ये क्या करता है, हमारा जो हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है उसको डिक्रीज करता है, जो हमारी गैस्ट्रिक गतिशीलता है हमारे जो पेट में होती हैं उनको क्या करता है, डिक्रीज करता है, और जो उस कंडीशंस में जो पेन होता है, जो दर्द होता है ना उस स्थिति में, तो उसको भी ये कम करता है, ठीक है। इट इज़ यूज फॉर ट्रीटिंग एनुरेसिस, इसका उपयोग जो है वो एनुरेसिस, हाइपरहाइड्रोसिस एवं जो हमारे पेट की ऐंठन होती है यानी कि क्रैम्प्स जिसको हम बोलते हैं, या फिर स्पाज्म बोलते हैं, है ना, जिसको हम एंटी स्पास्मोटिक जो ड्रग होती है, ठीक है, तो उसके रूप में इसका यूज़ किया जाता है, जो स्टमक में क्रैम्प्स या फिर स्पाज्म हो जाती है आंतों में, है ना, पेट में जो ऐंठन हो जाती है या फिर आंतों में जो ऐंठन हो जाती है
उसको कम करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और ब्लैडर जो हमारा मूत्राशय होता है उसके उपचार में भी इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस की बात करें तो वही सेम टू सेम आप करेंगे सबका। टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशंस की बात करें तो ये टैबलेट के फॉर्म में आता है। ब्रांड नेम अल्सिडिन, टेपलर, सेरेवेंथिन, बेंथाइन बोल सकते हैं एंड प्रोबेंथिन, ठीक है। तो इस तरीके से ये मार्केट में अवेलेबल है। इन दोनों ड्रग्स का आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इसको बहुत ही गंभीरता से ले रहे होंगे और एजुकेशन गेन कर रहे होंगे, नॉलेज गेन कर रहे होंगे और अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट जो बाकी बची हुई हमारी इंडिविजुअल कंपाउंड्स हैं उनके साथ में। तब तक के लिए घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए एंड टेक केयर। बाय बाय। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। थैंक यू सो मच। टेक केयर।